रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार में अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने का साहस नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ने उन्हें समझाया होगा कि पिछली बार सोनिया गांधी इतने मतों से जीत गई थी, इसलिए आप अमेठी ना जाकर रायबरेली चलिए। वहीं रायबरेली लोकसभा सीट पर नामांकन के दौरान कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, निवर्तमान सांसद सोनिया गांधी समेत पूरा कांग्रेसी कुनबा सड़कों पर दिखेगा। इसके अलावा नामांकन जुलूस के दौरान पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। वहीं आज ही भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्टी रायबरेली में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती दिखाई देंगी। रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। जी हां, पार्टी ने आज नामांकन के आखिरी दिन नई लिस्ट जारी कर इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को पार्टी ने अमेठी से मैदान में उतारा है। इसको लेकर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फैसला सोच समझ कर लिया गया है, हम दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे, पूरे देश में अच्छा संदेश गया है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। वहीं इस पर यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि हम लोगों की बहुप्रतिष्ठित मांग थी और हम चाहते थे कि हम सबके नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अमेठी रायबरेली के गाँव को वे जानते हैं।